करेक्ट 5 बज चुके हैं 30 दिसंबर 2023। श्री राम मंदिर यात्रा के लिए अब मैं निकलने वाला हूँ, साथ में एक पुलिस वाले भी होंगे अभी जल्दी, वो भी आने वाले। अभी बैग पैक हो चुका है, ये एक बैग है मेरे साथ और मैं निकलूँगा। श्री राम नाम झंडा पापा हाथ में लिए हुए, ये एक झंडा रहेगा। तो ये है मेरी श्रीजा, बेटा है मेरी 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 श्रीजा। तो निकलते अभी थोड़ी देर में, बाकी अभी तो नीचे मैं देख के आया, जर्नी काफ़ी काफ़ी शांत माहौल है। मतलब कोई 5 बजे शहरों में तो मोस्टली ऐसा होता है कि कोई दिखता ही नहीं है। आगे चलते देखते हैं। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे सर, इकडे आपले पुलिस साहेबांपण सोबत आहे आणि मिळालेला आहे। थैंक यू सो मच, बघून घ्या इकडे आहेत सर लोक आणि मी निघालो आहे आता। आज 5 वाजता 30 डिसेंबर 2023 श्रीराम मंदिर यात्रासाठी खूप खूप धन्यवाद। जय श्रीराम दोस्तों, अयोध्या पैदल यात्रा दिन एक, मेरे साथ महाराष्ट्र पुलिस नवी मुंबई कलंबोली पुलिस मेरे साथ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जर्नी मैंने स्टार्ट किया है और जर्नी आप लोग के साथ शेयर होती रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, अभी तक मैंने 2 घंटे चला है और 2 घंटे में तकरीबन 10 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। और इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो 12 घंटे में 60 किलोमीटर हो सकता है, तो एक ऑन एन एवरेज पकड़ लूँ 14 घंटे में 60 किलोमीटर इजीली तय कर सकता हूँ। और हर एक 10 किलोमीटर पे मैं एक वीडियोस बनाते रहूँगा, आप लोग को बताते रहूँगा। हालांकि अभी तक तो जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि मॉर्निंग है, हीट नहीं है और चलने में भी आनंद आ रहा है। दोपहर के टाइम देखते हैं क्या हालत होती है। जय श्री राम। सुबह के 8 बज रहे हैं, 5 बजे से जर्नी स्टार्ट की थी, 3 घंटे चलते चलते हो गए। यहाँ पे वादियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी, मतलब ये आप देख सकते हो सनलाइट ऊपर आ रहा है और ये जो चीज़ें हैं ये इसको काफ़ी एक बेहतरीन लुक देती है। वहाँ पर बत्तख वगैरह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे, नहा रहे, ये प्रकृति काफ़ी आनंदमय है। जर्नी में अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव वाइब है। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि अयोध्या धाम दिखता कैसे होगा रियल में। वो एक ड्रीम है, वो एक लक्ष्य है जिसके लिए मैंने 1427 किलोमीटर पैदल चलने का प्रण लिया और निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहे ऐसी मनोकामना करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, 30 किलोमीटर से ज़्यादा अभी तक चल चुका हूँ। लगभग मैंने जो एक दिन में मुझे काम करना है उसका आधा मैं कर चुका हूँ। 30 किलोमीटर मुझे और चलना बाकी है, तो पर डे का यही है एम। कई लोग रास्ते में मिल रहे, जय श्री राम ग्रीटिंग कर रहे, अच्छा लग रहा है। और कई लोग ये भी पूछ रहे कि आप कितने लोग जा रहे हो, मैं बोला एक, तो लोग सरप्राइज हो जा रहे कि सिर्फ एक बंदा कैसे जा सकता है अयोध्या पैदल। तो मैंने बोला मैं अकेला थोड़ी हूँ, जिसके साथ श्री रामचंद्र हो, साक्षात बजरंग बली श्री हनुमान जी हो, तो वो अकेला कैसे हो सकता है। तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, मैं आप लोग से मिलते रहूँगा। जय श्री राम। अभी मेरे पीछे एक गांव गया है, यहाँ पे एकदम प्योर गांव और यहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव है। बाइक से कुछ लड़के आके पूछिए भाव कुड़े चल रहा है तू, तो बोला कि राम मंदिर के लिए जा रहा हूँ अयोध्या, तो बोलते ऑल द बेस्ट। और काफ़ी मतलब उनको ना क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई नया दिखा। और कई लोगों ने बोला कि कुछ चाहिए पानी वगैरह, तो या फिर आके खाना खा लो,
तो काफ़ी लोग सपोर्टिव, पीछे सरसों के खेत वगैरह देख के भाई एकदम प्योर गांव वाला फीलिंग है भाई, ज़बरदस्त। अभी देखो जो दो लड़के गए वो मुझे ही, कि और भी अगर मैं उनसे कुछ बोलूँ तो वो सपोर्ट करें, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। जय श्री राम।